नसों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चंदन पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो, एनएसी ट्रेनर, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां आप जितने देख रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के हो ना आप लोग, तो यहां पर मेरिट सेव करने के लिए अगर आपको मेरिट में अपना नाम देखना है तो शॉर्ट पुट्स, जिसको क्या बोलते हैं, गोला फेंक बोलते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट पुट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला फेंक। इसमें अपना अगर 25 नंबर सेव कर लिए, लड़की के लिए कितना है, 16 फीट, लड़का के लिए 20 फीट। अगर आप 20 फीट फेंक लेते हो तो आप मेरिट में अपना नाम देख सकते हो। अगर आप सोचोगे कि हम पास मार्क्स लेंगे 16 पे, तो आप समझ लीजिए कि मेरिट में अपना नाम नहीं देखिएगा। अगर आप चाहेंगे लड़का पार्टी कि हम 16 फीट फेंकें और मेरिट में अपना नाम देख लेंगे तो मुश्किल है। लड़की पार्टी अगर चाहेंगे कि हम 12 वाला भी लाइन खिंचवाएंगे अभी, कि हम 12 पे फेंक के और मेरिट ले लेंगे तो मुश्किल है। आप लोग के लिए कितना है, 16, आप लोग के लिए 20। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट पुट है इसको हम अपने तीन तरीके से थ्रो कर सकते हैं, तीन तरीके से, और तीनों तरीके से 20 फीट के ऊपर ही जाएगा, 16 फीट के ऊपर ही जाएगा। लड़की पार्टी अगर आप फेंकोगे तो 16-17 तो नॉर्मल है, क्योंकि हमारा जो हाइट होता है ना, ये हाइट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है गोला फेंकने के ऊपर। और हाथों की ताकत के लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं, आपको पुशअप मरवाते हैं, तो पुशअप से मत भागिए। जिसको 20 फीट गोला फेंकना है वो पुशअप से मत भागिए, जिसको लड़की को 16 फीट गोला फेंकना है वो पुशअप से मत भागिए। उसके बाद गोला फेंकने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बताया जाएगा, उसको ध्यान से सुनना, और आज का जो वीडियो है इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे जो गांव में या कहीं भी रहते होंगे, बोले यार हमारा 16 फीट गोला नहीं जाता, यार हमारा 20 फीट 12 फीट गोला नहीं जाता, तो उसके साथ शेयर करना और बोलना कि इसको ध्यान से देखो। ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाला, ये 34.86 यानी कि लगभग अप्रोक्स 35 डिग्री का होता है, ये जो एंगल होता है 35 डिग्री का होता है, इसी के अंदर आपको गोला फेंकना है। इसके आपका बाहर गया गोला तो आपका डिस्क्वालिफाइड और फेल हो, बाहर ना इधर ना इधर, उधर कितना भी बाहर चला जाए चल जाएगा, लेकिन इधर नहीं चलना चाहिए, इधर नहीं चलना चाहिए, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा चीज है, ये आप जब गोला फेंकते हो, आप लोग भी फेंकती हो, तो आपका जो पैर है, ये जो चूना है, चूना जो लाइन खींचा हुआ है, इससे आगे ये कदम नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपका हाथ, ये अगर आप गोला फेंके हो और ऐसे गिर गए हो तो ये क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड, फेल हो। आपका ये कदम, ये जो कदम है, ये एकदम एंगल बनाकर रखना, कम को यहीं पर रखना। आप ऐसे घूम गए, ये पैर आगे चला गया, आप फेल नहीं, डिस्क्वालिफाइड नहीं। आपका ये जो कदम ऐसे मान लीजिए घूम गया, या आपका हाथ ऐसे चला गया, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ तक उड़ के जा सकते हो, यहीं तक शरीर रख सकते हो। गोला फेंकने के समय अगर आप ऐसे भी छूटते हो यहाँ तक, तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। गोला फेंकने के समय अगर शरीर आपका घूमने से हो जाता है तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है। दूसरा चीज हो गया, ये जो लाइन देखते हो ना, लाइन ये हाफ पे कट किया जाता है, हाफ पे कट किया जाता है, एक लाइन आपको ये बनाना है डोर की तरह, दरवाजा की तरह। तो आप जब भी गोला फेंकने का प्रैक्टिस करते हो, सबसे बड़ा लोग कैसे फेल होते हैं, डिस्क्वालीफाइड, गोला फेंकेंगे और ऐसे देख रहे हैं, जिसे आदत बना रहता है कि हम यहाँ से गोला फेंके और आगे बढ़ गए, तुरंत फेल, डिस्क्वालीफाइड हो। आप कभी भी गोला फेंकते हो, यहाँ फेंको, वहाँ फेंको, कहीं फेंको, तो आप यहाँ से जब कुछ फेंके हो तो आप यहाँ से सीधा, ये देखो डोर है, इसी डोर से अंदर जाना है, इसी डोर से बाहर जाना है, ना आपको इधर जाना है ना आपको इधर जाना है, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस में डालना है। जब आप गोला फेंकते हो, एक बार फेंको, दो बार फेंको, तीन बार फेंको, तो आपको इस दरवाजे से बाहर जाना है, इस दरवाजे से ना इधर ना इधर, समझ गए, अरे कुछ समझे, इस चीज को ध्यान से देखना। अब हम आपको तीन तरीके से गोला फेंकेंगे, इस गोले को तीन तरीके से फेंकेंगे, और देखना हर बार मेरा इस चीज के पास जाएगा। पहला हो गया कि देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर एथलीट की तैयारी करने नहीं आए, हम यहाँ एथलीट की तैयारी करने नहीं आए, हम यहाँ क्या करने आए हैं, अपना मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आए। तो एथलीट की तैयारी करोगे तो लगभग आपको 2 महीने से ऊपर लग जाएगा सीखने में। तो तीन तरीके से बताएंगे, तीनों तरीके देखना और अप्लाई करना, वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है ना।
ये यहाँ से कहाँ से आपका गोला यही कान के पास से निकलना चाहिए पूरा जमीन। आप अगर यहाँ से दे और यहाँ के स्लो कर दो गोला नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ से गोला निकाला तो यहीं से बिल्कुल लंबा सांस खींचो, थ्रू कर दो। और ये अनुज लेके जितना बाजू के पास नंबर एक तरीका होगा नंबर एक तरीका हुआ। हम यहाँ से देखिए इसे पूरा फोर्स लगा देंगे। दूसरा हो गया कि ये जो होता है ये 3 मीटर का आपका एक गुलाम पर होता है। और ये चीज़ ज़्यादातर बच्चे घायल हो जाते हैं गोला को रोकने के चक्कर में, तो ये भी चीज़ देखने के लिए चीज़ है, ध्यान देना। कभी भी आप गोला को फेंकता हो आपके पास या उधर से फेंकता है आप खाने के लिए खड़े हो, एक तो साइड में नहीं रहना, थोड़ा सा दूर पर रहना, और गोला जब वहाँ से आता है तो उसको इससे रोकना, इससे रोकोगे इससे रोकोगे इसे मत रोकना, इसे गोला मत रोकना। तीसरा तरीका बता रहे हैं ऐसे ही फेंकना। तो अभी आप कुछ बच्चों को अपना दिखाएंगे, कुछ लड़की को भी दिखाएंगे और कुछ लड़कों को ये 20+ पार करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मेरे एकेडमी में आज के डेट में हम आपको बता रहे हैं कि सभी लोग 16+ पार है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 20 के 23 फीट भी फेंक देते हैं, तो हमें 23 से मतलब नहीं, हमें मतलब है 20 फेंक के 25 नंबर इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हम कुछ बच्चों को दिखाएंगे वो 20 फीट कैसे फेंकते हैं। चलो भाई तो नहीं और जी वो नहीं है, वो नहीं है पेके लगाई का सुन रहा है भाई, ये नहीं है पेके लगा। और आप सबसे अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ 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 कमेंट भी करना। तो लड़े एगो में प्लस लाही के पूरा में पूरा तब मेरिट बने, दूगो में कमो बढ़े लेकिन एगो में चाहे पूरा सब। अभी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो हम भी 2-3 बार फेंके और ये लड़का भी फेंका था पिछले, अभी ये लड़का फेंका है, इस चीज का भी खासे ध्यान देना। ये आपका गोला अगर लाइन के ऊपर गिरता है तो आपका काउंटिंग इसमें हो, इस लाइन के तहत सही बोल रहे हैं, ठीक है? अगर आप 20 फीट के ऊपर आपका गिरा हुआ है तो आपका कहाँ जाएगा नंबर 19 वाले में, अगर इस लाइन के ऊपर गिरा हुआ है तो आप इसमें जाएगा। इस चीज का पक्का ध्यान देना, तो हल्का सा फोर्स करके इसको पार कर देना, पार हो जाएगा 20 प्लस रहना तो 25 में 25 किकर अंदर वही 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 गिनाई 19 से गिनाई 19 से गिनाई, अगर 19 वाला ऊपर सेकंड लाइन पर गिरे तो आपका 19 में गिन एथी में आएगा, क्या कहले 18 में 20 प्लस करो चीन क्रॉस कर जब तो 25 में 25 चार नंबर दो तो 25 में 25 जो इतना चुभिला 19 में आ जाए क्रिकेट में देखना कि जो कोई फ्लैट सिक्स मारता है तो उसका बॉडी के ऊपर क्या चला जाता है, अगर वहाँ फील्डर नहीं रहेगा तो देखो फ्लैट सिक्स चला गया, या किसी ने बहुत ज्यादा हाइट मार दिया 60 डिग्री में उसका भी बॉडी के ऊपर कैच होने की संभावना होती है, नहीं तो आप 45 डिग्री पे को आपका 20 प्लस है।
अरे सामान को नीचे से अब इसे बैग ना धो दो टाइम आ गया वाह वाह अभी और दो लड़कों से फेंकवाएंगे, उसके बाद लड़की लोगों को भी मौका देंगे उनको 12 फीट का मार्जिन करके। तो अभी इसके बाद दीपक जाना है, इसका भी नंबर कहाँ काउंट होगा? 19 में, यानी कहाँ देखा ना, 19 वाले में काउंट होगा। 21 नंबर, 21 नंबर, 21 नंबर। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। सारे भाई अनुज सारे अनुज अनुज के साथ ये अनुज के भी जय सर हम भी हमको मकर दीजिए प्लस सब कुछ फेंक दिया अधिकांश का बोनस, ये बोनस नंबर जोर लगा के है इससे। अभी आप देखिए कि यहाँ पर हमारे एकेडमी के मैक्सिमम, अभी अगर हम सबसे फेंकवाने लगे तो कोई 16 से पीछे नहीं फेंकता, तो ये हमारा ट्रेनिंग बोलता है ना। यस सर, ये कैसे फेंकते हो, कुछ ट्रेनिंग से मिला है या ऐसे फेंकते हो? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या कराया जाता है? पुश अप, हार्ड ट्रेनिंग होता है ना, बहुत हार्ड। सर होल्ड कराया ना ये है? तो यहाँ पर हम टाइम पास नहीं करते, हम क्या करते हैं ट्रेनिंग, उसी ट्रेनिंग का नतीजा अभी आप लोग देखे कि हमारे हर बॉय पे का है 18 की लाइन पे, यानी कि उसको 17 नंबर मिलेगा, लेकिन क्वालिफाई है वो भी होम गार्ड का लड़का था, और बिहार पुलिस के मैक्सिमम लड़के कहाँ पे इसी लाइन पे, ठीक है ना। तो मैं यही बोलता हूँ आपको, आप लोग हर वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, अपनी गलती को ढूंढिए वहां से कि एक लड़का फेंका है या लड़की फेंकी है, तो इसमें गलती कुछ ढूंढे हैं कि क्या गलती हुआ है, तभी आप इम्प्रूव करोगे जिंदगी में। कभी भी आप अपनी गलतियों को सुधार लो तो आप जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो मैं सबको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और नमस्कार, जय हिंद।